सीबीआई के लुकआउट नोटिस के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार पर पलटवार किया है और उन्होंने ट्वीट किया। ट्वीट में मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि सारी रेड फेल हो गई, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब लुकआउट नोटिस जारी किया गया है कि मैं मिल नहीं रहा। सिसोदिया का कहना है कि वो दिल्ली में खुलेआम घूम रहे हैं, आपकी सारी रेड फेल हो गई और अब आप लुकआउट नोटिस जारी कर रहे हैं कि मैं मिल नहीं रहा। उनका कहना है कि दिल्ली में हो खुलेआम घूम रहा हो। आरजी आपको बता दें कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया है मनीष सिसोदिया समेत 14 लोगों के खिलाफ, लेकिन अब उन्होंने इस लुकआउट नोटिस पर ट्वीट के जरिए निशाना साधा केंद्र सरकार पर और कहा कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया, ये उनका ट्वीट है कि आपकी सारी रेड फेल हो गई, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुकआउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया नहीं मिल रहा, ये क्या नौटंकी है मोदी जी? सवाल, मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है आपको, मैं नहीं मिल रहा। क्वेश्चन ना, तो आप बताइए कि कहां आना है आपको, मैं नहीं मिल रहा। हालांकि आपको बता दें कि लुकआउट नोटिस जारी किया गया जिसमें उनके विदेश जाने पर रोक लगा दी गई है, वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। और उनके इस लुकआउट नोटिस के बाद सीबीआई ने जो लुकआउट नोटिस जारी किया उसके बाद मनीष सिसोदिया का ये ट्वीट आया है, ये उनका उसके बाद का पहला ट्वीट है। इससे पहले भी उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा था ट्वीट करके कि इनकी रफ्तार तो हवाओं से भी तेज है, और अब उनका ये अगला ट्वीट कि आपकी सारी रेड फेल हो गई और आप कहते हैं कि मैं मिल नहीं रहा, मैं दिल्ली में ही हूं, खुलेआम घूम रहा हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद उनका ये ट्वीट, तो जो जो आरोप लग रहे हैं विपक्षी दल जो आरोप लगा रहे हैं या जो जो घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है वो हर एक घटनाक्रम पर लगातार मीडिया के सामने आ रहे हैं या फिर ट्विटर हैंडल से ट्वीट जरूर कर रहे हैं।